हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा आप सभी के लिए लेके आई हूँ मीशो साड़ी हॉल। मैंने मीशो से कुछ डिफरेंट साड़ियाँ परचेज करने की कोशिश की है, और क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है तो डिफरेंट साड़ियाँ चाहिए होंगी हम लोगों को। तो और कुछ मैंने ब्लाउज भी परचेज की है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। चलिए फर्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट साड़ी है ये ऑफ वाइट कलर की, और रेड कलर का इसका बॉर्डर है, सिल्क फैब्रिक है इसका। पूरी साड़ी खोल के दिखाती हूँ। ये इसका पल्लू है रेड कलर का, ये देखिए रेड कलर का इसका पल्लू दिया है। पूरी साड़ी में इस तरह की बूटियां बनी हुई हैं, और साइड में ये गोल्डन बॉर्डर दिया हुआ है, और ये जरी का वर्क हो रहा है। ये पीछे मैं आपको पीछे से दिखाऊंगी इस साड़ी को, ये देखिए। वैसे तो साड़ी देखने में अच्छी लग रही है, और ये इसका ब्लाउज पीस है रेड कलर का। साड़ी के फैब्रिक की बात की जाए तो ये सिल्क कॉटन सिल्क फैब्रिक है। साड़ी का फैब्रिक अच्छा है, पहनने में कैसा लुक आएगा वो अभी ट्राई करके मालूम चलेगा। पीछे से दिखाऊं आपको तो देखिए, पीछे से जरी का धागा लगा हुआ है, ये जरी का है, प्रिंट नहीं है साड़ी में। ये देखिए जरी का वर्क हो रहा है। ऑल ओवर साड़ी की बात की जाए तो साड़ी अच्छी है। कोलकाता साइड में बहुत पहनी जाती है, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज किया है कि मैं भी इसका लुक देखती हूँ कैसा लगता है। दुर्गा पूजा में इस टाइप की साड़ियाँ बहुत पहनते हैं, और वैसे भी ये इस तरह की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं पहनने में। ये इस तरह की साड़ी है कि इसे आप शादी फंक्शन आप कहीं पर भी पहन सकते हैं, इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा पहनने में। ब्लाउज पीस इसका इस तरह का है, देखिए इस तरह का रेड कलर का गोल्डन वर्क हो रहा है बॉर्डर पर, और गोल्डन कलर की इसमें बूटियाँ दे रखी हैं। वैसे साड़ी अच्छी है पहन के, अभी मालूम चलेगा कि कैसे दिखने में कैसी लगेगी। और इसका प्राइस के अकॉर्डिंग साड़ी बहुत अच्छी है, तो इसकी वीडियो मैं साइड में लगा दूंगी जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट साड़ी आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी है ये ग्रीन कलर की, और रेड कलर का इसमें बॉर्डर है, ये देखिए टोटली ग्रीन कलर की साड़ी है। इस तरह का इसमें बॉर्डर लगा है, बॉर्डर पे जो काम हो रहा है वो है, इसके बॉर्डर पे जो वर्क हो रहा है वो मिरर वर्क है, प्लास्टिक मिरर वर्क। पूरी साड़ी पर इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है इस साड़ी में, और प्लेन पूरी साड़ी प्लेन है। और यहाँ से इसका बॉर्डर स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ आके ये पूरी साड़ी में इस तरह से जा रहा है। और इसमें इस साड़ी में कलर बहुत सारे हैं, आपको जो कलर अगर अच्छा लगे तो आप परचेस कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर दिए हुए हैं इसमें, 7-8 कलर हैं लगभग। और इसका जो ब्लाउज पीस है इस साड़ी को बहुत ही सुंदर लुक देता है, क्योंकि इसका ब्लाउज जो है डिजाइनर ब्लाउज की तरह है। देखिए पूरे ब्लाउज पीस में इस तरह का वर्क हो रहा है, मिरर वर्क ही हो रहा है, कोई प्लास्टिक वाला। ये इसका आगे का है, और ये इसका पीछे का, और ये जो पीछे एक और पार्ट इसका अलग से दिया हुआ है, ये स्लिप्स के लिए दे रखा है अगर स्लिप्स लगवानी है तो। और प्राइस के अकॉर्डिंग इस साड़ी को देखा जाए तो ये साड़ी बेस्ट है, आप ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये साड़ी बहुत बढ़िया है, इसका जो फैब्रिक है जॉर्जेट फैब्रिक है, जो पहनने में भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया साड़ी है। और प्राइस सुन के तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस साड़ी का जो प्राइस है 500 के समथिंग, 500 के अकॉर्डिंग ये साड़ी बहुत अच्छी साड़ी है। इस तरह का देखिए कितना सुंदर इसमें वर्क हो रखा है इसके ब्लाउज में, जो इस साड़ी को बहुत ही अच्छा लुक देगा। और इस तरह से ये पूरी ऑल ओवर साड़ी प्लेन है, और जिसमें ये जो रेड कलर का जो बॉर्डर है इसे बहुत सुंदर लुक दे रहा है। देखिए जब अगर इस साड़ी को पहनेंगे तो ये बहुत ही सुंदर, ये देखिए
पहनने के बाद इस साड़ी का जो लुक आएगा वो मैं वीडियो साइड में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं कि इसका कैसा लुक आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये अच्छी साड़ी है, 500 के समथिंग इसका प्राइस है और फैब्रिक इसका जॉर्जेट है। तो ये थी मेरी दूसरी साड़ी। ये तीसरी साड़ी है रानी कलर की और पर्पल कलर का पतला पतला सा बॉर्डर है गोल्डन जरी के साथ। ये देखिए, ये भी सिल्क फैब्रिक की साड़ी है और सॉफ्ट सिल्क है इसका। चलिए मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। ये तो बिल्कुल साड़ी इस तरह की है कि अगर किसी शादी फंक्शन में जिस हम लोग पहन सकते हैं। देखिए मैं बॉर्डर से इसके पल्लू से स्टार्ट करती हूँ। पूरी साड़ी में इतना चौड़ा बॉर्डर है और पूरी साड़ी इस तरह की है। छोटी छोटी जरी की बूटियाँ बनी हुई हैं इसमें, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये साड़ी पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही सुंदर आने वाला है। कलर भी इसका एकदम ब्राइट कलर है। आप इस साड़ी को करवा चौथ पर भी पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। ये इसका ब्लाउज पीस है, ये देखिए पर्पल कलर का बूटी में इसका ब्लाउज पीस है और ये जो बॉर्डर है ये स्लीव्स पर आएगा। बहुत ही सुंदर ब्लाउज पीस होने वाला है। कंट्रास्ट में पर्पल कलर का ब्लाउज होगा और ये पिंक कलर की साड़ी होगी। और इसके पल्लू की बात करते हैं, इस ये इसका पल्लू है वो भी पर्पल कलर का ही, पल्लू भी इसका पर्पल कलर का दे रखा है, बहुत ही प्यारा है। ये साड़ी माय फेवरेट साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर ये साड़ी भी आपको पसंद आती है तो इसका भी मैं कोड और इसका प्राइस वीडियो में मेंशन कर दूँगी। बहुत ही अच्छी साड़ी है, आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और फैब्रिक तो इसका बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, पहनने में बहुत इजी आने वाली है। ये आपको कैसी लगे, आपको जो भी साड़ी अच्छी लगे तो ज़रूर बताना आपको कौन सी साड़ी पसंद आई। फेस्टिवल के अकॉर्डिंग सारे कलर लेने की कोशिश की है, डिफरेंट। नेक्स्ट साड़ी की बात करते हैं तो नेक्स्ट साड़ी है मेरे पास ये बहुत ही लाइट कलर की। ये देखिए वो सारी दो डार्क कलर की साड़ियाँ थी तो ये मैंने एक लाइट कलर की परचेज की है। ये पार्टी वियर साड़ी है और बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी है और इसमें जो वर्क हो रखा है वो भी आजकल ये जो मिरर का वर्क है ना बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इसमें भी देखिए ये मिरर का ही वर्क है और वो भी प्लास्टिक वाला मिरर है। और पूरी साड़ी में इस तरह की ये बॉर्डर दिया हुआ है इसमें। चलो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ साड़ी को। फैब्रिक की बात की जाए तो इसका सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट वाला जो फैब्रिक होता है वो फैब्रिक है सिल्क में। और इस तरह से इसमें पूरी साड़ी में ये देखिए पल्लू की साइड का है तो इसमें इस तरह से वर्क हो रखा है, मिरर वर्क पूरी साड़ी में इस तरह का मिरर वर्क हो रखा है। पल्लू की साइड में ये फुल वर्क दे रखा है, जहाँ से हम लपेटते हैं साड़ी को वहाँ से फुल है, बाकी का यहाँ से ये नीचे जो पटलियाँ आती हैं नीचे जो प्लेट्स आएंगी वो इस तरह से यहाँ से हाफ वर्क दे रखा है। पहनने के बाद जो लुक आएगा इसका बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है और उसका मैं वीडियो साइड में लगा दूंगी कि पहनने के बाद ये साड़ी कैसी लगती है। बहुत ही लाइट कलर है और इसमें भी काफ़ी कलर हैं, आप जो इसमें 4 या 5 कलर हैं आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये कलर नहीं था तो मैंने इसलिए ये कलर परचेस किया है। और ये इसका ब्लाउज पीस है जो प्लेन आएगा, इसमें अलग से कोई डिफरेंट ब्लाउज पीस नहीं है, सेम इसी कलर का है और इस तरह का इसमें बॉर्डर दे रखा है स्लीव्स के लिए। और आप चाहें तो इसे और भी अच्छा लुक देने के लिए इस साड़ी में थोड़ा डिफरेंट अगर ब्लाउज यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा इसका कलर कॉम्बिनेशन मैच करेगा और ये साड़ी और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। अगर आप इसके साथ पिंक कलर का ब्लाउज यूज़ करेंगे या थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट में जो इसके साथ मैच करे वो यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा साड़ी का लुक आएगा। मैं साड़ी को डार्क पिंक कलर के साथ यूज़ करके देखती हूँ तो देखते हैं कैसा लगेगा।
फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की चारों साड़ियाँ। और चलिए मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर का ब्लाउज परचेज किया है और इसमें मिरर वर्क हो रखा है, क्योंकि आजकल यही वर्क चल रहा है। तो इस तरह का ब्लाउज अगर हम लेते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट साड़ियों पे यूज़ हो सकता है और अलग लुक देता है साड़ी को। तो इसीलिए इस तरह का ब्लाउज मैंने मंगाया है और इसका प्राइस 250 के समथिंग है। और उसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज बहुत ही अच्छा है। और इस तरह से डीप पीछे जो इसका गला है वो डीप है, पीछे भी इसमें डोरी ही दी हुई है। इस वाली साड़ी के साथ अगर ये भी यूज़ होगा तो भी साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और ये कॉम्बो में दो ब्लाउज आए हैं, एक कॉम्बो बना हुआ है उसमें दो दो ब्लाउज का कॉम्बो था, तो मैंने उसमें ये दोनों कलर लिए हैं, क्योंकि मेरे पास ये दोनों कलर नहीं थे। तो ये पिंक कलर है और ये ग्रीन कलर है। ये प्लेन ब्लाउज हैं और इसमें स्लिप्स के लिए ये कपड़ा दे रखा है अगर किसी को लगानी है तो। और प्राइस के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज ठीक है। वो थे वो वाले प्लेन ब्लाउज थे और कुछ इस तरह के वर्क के मैंने मंगाए। ये ब्रॉकेट, हाँ ये ब्रॉकेट के कपड़े में है और इसमें स्लिप्स आई हैं, इतनी ये वाली स्लिप्स हैं इसमें। और इस तरह का है इसका लुक, पीछे से गला इसका इतना दे रखा है और डोरी दे रखी है साथ में। और ये भी कॉम्बो में थे, ये भी दो हैं, एक ये रेड कलर का सेम है, कलर चेंज है बस। अगर आपको ये परचेज करने हैं तो इनका भी प्राइस एंड कोड मैं वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा आज का कलेक्शन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप पर नोटिफिकेशन उसका आ जाए। बाय बाय।